आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोएम नाइन गोल्ड मेडल्स जिसे लिखे हैं डेविड रॉथ डेविड रॉथ इस पोएम में एक स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्क्राइब किए हैं और उस स्पोर्ट्स इवेंट का नाम है स्पेशल ओलंपिक और इस स्पेशल ओलंपिक में वही लोग पार्टिसिपेट किए हैं जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं यानी कि जो लोग दिव्यांग है वैसे ही लोग इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं डेविड रॉथ जो कि इस पोएम के पोइट हैं वो इस पोएम के थ्रू हम लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ में हम लोगों को हमेशा सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और दूसरों की केयर भी करनी चाहिए तो जब मैं आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रेंजर वाइज इस पोएम को तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो चलिए अब शुरू करते हैं स्ट्रेंजर वाइज देखना द एथलीट हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री to run for the gold for the silver and bronze many weeks and months of training all coming down to these games the spectacular gathered around the old field to cheer on all the young women and men the final event of the day was approaching excitement grew high to begin the blocks were all lined up for those who would use them the hundred yard dash was the race to be run there was nine resolved athlete in back of the starting line poised for the sound of the gun the signal was given the pistol exploded and so did the runner all charging ahead but the smallest among them he stumbled and staggered and fell into the spalt instead. he gave out a cry in frustration and anguish his dream and his effort all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the the same goes for the next occurred. The eight other runners pulled up on their heels. The ones who had trained for so long to compete, one by one, they all turned around and went back to help him, and brought the young boy to his feet. Then all the nine runners joined hands and continued. The hundred-yard dash now reduced to a walk. And a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. That is how the race ended. With ring gold medals, they came to finish line holding hands still, and a standing ovation and nine beaming faces said more than these words ever will. This was the whole poem. Now I will explain you stranger wise. द एथलीट हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जितने भी खिलाड़ी आए थे और मैं आपको पहले ही बताया था कि ये सभी खिलाड़ी जो थे सभी हैंडी कैप्ड थे तो ये जितने भी हैंडी कैप्ट खिलाड़ी थे ये सभी आए थे किसी बाहर कंट्री से टू रन फॉर द गोल्ड फॉर द सिल्वर एंड ब्रांज और ये आए थे गोल्ड जीतने के लिए सिल्वर जीतने के लिए और ब्रांज जीतने के लिए मैनी विक्स एंड मंथस ऑफ ट्रेनिंग ऑल कम ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स और ये सभी जितने भी प्लेयर्स थे ये सभी बहुत मेहनत किए थे सालों से मेहनत कर रहे थे सप्तों से मेहनत कर रहे थे इस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के बाद गोल्ड सिल्वर और ब्रांज मेडल जीतने के लिए नाउ सेकेंड स्ट्रेंजर द स्पेक्टिकुलर गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चेयर ऑन ऑल द यंग वेमेन एंड मैन स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है दर्शक देखने वाला तो जो देखने वाला था वो चारों ओर से फील्ड को घेर लिया था और वो वो लोग इस स्पोर्ट्स इवेंट को देखने के लिए आए थे तो जो था सभी घेर लिए थे फील्ड को और सभी चीयर कर रहे थे इन जो भी एथलीट थे उनके लिए द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग एक्साइटमेंट ग्रो हाई टू बिगिन तो ये जो स्पेशल ओलंपिक था ये कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी चीयर कर रहे थे इन एथलीट्स के लिए नाउ थर्ड स्ट्रेंजर द ब्लॉक्स वेयर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम द हंड्रेड यार्ड डैश वॉज द रेस टू बी रन और ये जो रेस होने वाला था ये हंड्रेड हंड्रेड मीटर का रेस था देर वॉज नाइन रिजॉर्ड एथलीट इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन और जो अभी दौड़ने वाले थे ये टोटल नाइन एथलीट थे जो कि दुनिया भर से आए थे और सभी को ही अपना पोजिशन ले चुका था और अब इंतज़ार कर रहा था कि कब ये इन लोगों को सिग्नल मिले पॉइड फॉर द साउंड ऑफ द गन गन की आवाज़ हो और कब ये दौड़ना इस्टार्ट करें नेक्स्ट स्ट्रेंजर द सिग्नल वॉज गिवेन द पिस्टल एक्सप्लोडिड और सिग्नल दे दिया गया सिग्नल कैसे दिया जाता है जब गोली चलती है हवा में तो इसका मतलब है कि अब दौड़ना स्टार्ट करो द सिग्नल वॉज गिवेन द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर और चार्जिंग अड और जैसे ही ये आवाज़ सुनाई दी सभी एथलीट जो है वो अपने जगह से स्पीड से दौड़ना शुरू किए बट द स्मॉलेस्ट एमंग डैम पर उन लोगों में जो सबसे छोटा था स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड और वो लड़खड़ा कर गिर एंड फेल टू जब वो लड़खड़ाया तो वो ट्रैक पर गिर गया हिज ड्रीम एंड एफर्ट्स ऑल डेस्ट इन द डर्ट और फिर जब वो गिरा तो वो बहुत निराश हुआ और फिर जोर से बोला कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई तो ये सुनते ही बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग यर टेलिंग दिस स्टोरी द सेम गोज फॉर वॉट नेक्स्ट अकर्ड तो बेसिकली इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जब वो गिरा दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा कर जब गिर गया तो उसे बहुत बुरा लगा और बहुत वो गुस्सा हुआ अपने आप पर क्योंकि ऐसे इवेंट्स में बहुत सालों की मेहनत लगती है द एट अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हिल्स पुल्ड अप ऑन देयर हिल्स का मतलब है कि रुक जाना अचानक से तो जितने आठों थे एथलीट रनर वो सभी अचानक से रुक गए जब वो देखे कि जो सबसे छोटा वाला था वो गिर गया तो द वंस हु हैड ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू कॉम्पीट और ये जितने भी थे सभी वो सब बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये रेस में वो फर्स्ट आए बट जैसे ही वो देखे कि वो छोटा वाला गिर गया तो ये सभी आठों रुक गए और यहाँ डेविड रॉथ हम लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ में भी ऐसे ही बहुत सारी रेस होती है तो वैसे सिचुएशंस में आप किसी को पीछे मत छोड़ दो अगर कोई अगर आपका फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर कोई अगर कमज़ोर है तो उसके साथ जाओ उसके साथ उसको हौसला दो इस पोएम में भी बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएट जो है डेविड रॉथ द वन हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कॉम्पीट वन बाय वन दे ऑल टर्न अराउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम और सभी फिर आठों वापस गए दौड़ते हुए उसे उठाएँ एंड ब्रॉट द यंग बॉय ऑन हिज फिट और फिर उसे अपने अपने पैर पर उठाएं मतलब उसको खड़ा किया और फिर उसको हेल्प करते हुए सभी एक साथ जाने लगे देन ऑल द नाइन रनर्स ज्वाइंट हैंड एंड कंटिन्यूड फिर मैं, जो मैं बोला हुई कि सभी जाने लगे एक एक करके एक एक करके मतलब एक साथ ही सभी चल रहे थे और पूरा जो लोग था वो सभी खुश हो गए थे पूरा ये ह्यूमैनिटी देख कर द हंड्रेड यार्ड डैश नाउ रेड्यूस टू अ वॉक और ये जो हंड्रेड मीटर का जो रेस था वो अब सभी पैदल चलकर कंप्लीट कर रहे थे एंड द बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्पोर्ट्स इवेंट का नाम था स्पेशल ओलंपिक तो अब जो है इस स्पेशल ओलंपिक का सही मायने ये है कि जब सभी एक साथ चल रहे हैं सो दैट इज स्पेशल ओलंपिक कुड नॉट हैव बिन मोर देन मोर ऑन द मार्क कुड नॉट हैव बिन मोर ऑन द मार्क और ये जो स्पेशल ओलंपिक का टाइटल है ये बेस्ट है अब दैट इज़ हाउ द रेस एंडेड और इसी तरीके से रेस जो है वो खत्म हुए विथ नाइन विथ रिंग गोल्ड मेडल्स और जितने भी थे नाइन एथलीट ये ह्यूमैनिटी देख के सभी को गोल्ड मेडल मिला एंड दे केम टू फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल और सभी एक साथ क्रॉ फिनिशिंग लाइन को एक साथ टच किए एंड द स्टैंडिंग ऑबिशन एंड नाइन बीमिंग फेसेस और जो जितने भी लोग थे जितने भी इस्पेक्टिकुलर्स थे और ऑडियंस सो सभी उठकर स्टैंडिंग ऑबिशन दिए इस ह्यूमेनिटी के लिए सेड मोर देन दिस वर्ड्स एवर विल एथलीट सब के इस स्पेशल बिहेवियर के कारण ये जो स्पेशल ओलंपिक था वो सच में स्पेशल बन गया सो दिस वाज दी होल पोएम इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा इस पोएम का लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सब कुछ समझ में आ गया होगा <laughs> अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ और मैसेज तो जो देना चाह रहे हैं डेविड रॉथ वो उस मैसेज को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए दैट इज़ द मेन थिंग इसीलिए इस ये पोएम हम लोग के टेक्स्ट में है ताकि लाइफ में तो बहुत सारी रेस होती है पढ़ाई का रेस मेनी रेसेस तो जो भी रेस होती है तो कोशिश कीजिए किसी को नीचा ना गिराएं और सबको एक साथ लेकर चलना है ओके दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस पोएम डेविड रॉथ बस यही बताना चाह रहे थे तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का कर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन मिल सके थैंक यू सो मच